हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम लोग एक 80 रुपीज़ के आसपास का जैकपॉट काउंटर रहेगा, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से रखना है। ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। और आप जो ट्रेडिंग, आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइज़न रहेगा लगभग 12 से 18 महीने के, यानी लगभग 1 साल से 1.5 साल का होराइज़न है। और ये काउंटर आपको लगभग 160 से 170 रुपये की रेंज में दिखाई दे सकता है अगले 12 से 18 महीने में। यानी कि अगले 12 से 18 महीने में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डबल हो जाएगा। और इतना बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है स्टॉक मार्केट के अलावा जहां पर आपका पैसा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी डबल होने की पूरी गुंजाइश रहती है, अगर आपने सही तरीके से सही स्टॉक के अंदर निवेश किया। और आज का जो काउंटर है वो काफ़ी बेहतर काउंटर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काउंटर है। मल्टीपल डिविजन्स के साथ कंपनी काम करती है। पूरी कंपनी के बारे में डिटेल में फंडामेंटल्स को मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, बट उससे पहले ये कहूंगा कि जो भी हम लोग आपको सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस बताएंगे उनको आप नोट डाउन करके रखिएगा और उनके अकॉर्डिंग ही जो भी ट्रेड है उसको इनिशिएट कीजिएगा। साथ ही अपनी एनालिसिस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो काउंटर है उसका नाम है NCC नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका जो BSE का कोड है 500294 और जो NSE का कोड है वो NCC कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सिविल का ये सेक्टर स्टॉक है। 87 रुपीज़ इसका आज का प्राइस रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस रहा है 87 रुपीज़ पे। और अगर हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप के हिसाब से काउंटर मिड कैप का स्टॉक है। लगभग 5,225 करोड़ की मार्केट कैप है। PE की बात करेंगे तो 12.65 की PE है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले काफ़ी नीचे PE पे ट्रेड कर रहा है काउंटर। बुक वैल्यू 72.97, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 73 के आसपास की बुक वैल्यू है। तो जो प्राइस टू बुक है वो भी काफ़ी फेयर प्राइस है, 1.19 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। साथ ही EPS भी अराउंड 7 के आसपास है। टोटल अभी अगर हम बात करते हैं जो फेस वैल्यू है वो 2 है काउंटर की, स्टॉक की। और डिलीवरीबल्स 22.35, यानी कि आज ज़्यादा कुछ बड़ी क्वांटिटी डिलीवर नहीं हुई है, ज़्यादातर ट्रेडिंग जोन में ही काउंटर रहा। ओके, सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग एक बार देखते हैं ब्रीफली। उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जो काउंटर है इसमें बेसिकली जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यहाँ पर हम लोग screen.in पे आ जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि 60 करोड़ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 60 करोड़, ये 60 करोड़ शेयर्स जो हैं वो टोटल NCC के मार्केट के अंदर हैं। अब ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 60 करोड़ के 60 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। बिकॉज कुछ प्रमोटर्स के पास होता है, तो प्रमोटर्स रोज़ बाइंग और सेलिंग नहीं करते हैं, ना ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रोज़ बाइंग सेलिंग करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने खरीदे और बेचे जा रहे हैं इन डे के अंदर, और कितने जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं स्टॉक्स मार्केट में। बाकी आप देखेंगे स्टॉक का जो ROE है वो 5.20% है, ROCE 13.15% है। यानी कि ROE स्टिल अभी कुछ कम है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश काफ़ी कुछ है। OPM काफ़ी अच्छा लग रहा है, 12.04% का OPM है। करंट रेशियो 1.72 एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी बेटर है। कंपनी के पास जो डेट्स हैं उसके मुकाबले जो नेटवर्थ है कंपनी की काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि सेल्स की ग्रोथ पिछले कुछ जो 3 वर्ष हैं उनमें सेल्स की ग्रोथ काफ़ी ख़राब रही है, नेगेटिव में रही है, बट आने वाले जो 3 से 5 साल होंगे इस काउंटर के लिए वो काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कंट्री है वो काफ़ी फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। सो इसीलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो काउंटर्स हैं उनका भविष्य काफ़ी बेहतर और सुनहरा हो सकता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, बात करते हैं, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का दिखाएंगे। प्रमोटर्स के पास लगभग 10,87,20,000 शेयर्स है, यानी कि 18.12% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। और इसमें से लगभग 38%, मतलब इन 18.12% में से लगभग 38% प्लेजिंग में है प्रमोटर्स का। इंस्टीट्यूशंस के पास 27,92,40,000 शेयर्स हैं, लगभग 46.54%। एनी अदर्स जो हैं, जिनमें कि आपके NBFCs भी हो सकती हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं प्रमोटर्स के, उनके पास लगभग 6,88,20,000 शेयर्स हैं, लगभग 11.47%। टोटल की बात करेंगे अगर हम, तो टोटल 45,67,80,000 शेयर्स, यानी कि 76.13% जो है वो ऐसे शेयर्स हैं जो कि प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर्स के पास हैं। यानी कि इन 76.13% में बहुत
बहुत कम ऐसा परसेंटेज होगा जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है या रोज बाया खरीदा या बेचा जा रहा है। ज़्यादातर रिटेल निवेशक जो होते हैं वो खरीद फरोख्त करते हैं, ट्रेडिंग जोन में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और वो क्वांटिटी रहती है लगभग 27.87 जो कि रिटेल निवेशक के पास है, 14,32,20,000। तो आप मान के चलिए, मेरा मानना ये है लगभग 15 करोड़ के शेयर्स के आसपास जो मार्केट में वो रेगुलर सर्कुलेट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी शेयर्स, अब इन 15 करोड़ में भी ऐसा नहीं है कि मैं रोज ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इनमें भी आप 30-40% ही आप समझ लीजिए कि रोज उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। क्योंकि अगर किसी ने पोजिशनल पर, रिटेल निवेशकों में भी जिन्होंने पोजिशनल बाइंग कर रखी होगी, वो उन्होंने एक बार खरीद लिया तो फिर अब कितने समय के बाद बेचेंगे वो डिपेंड करता है। तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग डे होता है रोज का, उसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है और वो हम वॉल्यूम से जान सकते हैं काउंटर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 96,67,000 शेयर्स की आज खरीद फरोख्त हुई है। फिलहाल आज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा था वो 96,67,000, यानी 1 करोड़ से भी कम का वॉल्यूम खरीद फरोख्त के साथ रहा है मार्केट के अंदर, ओके। खैर, इसके अलावा फाइनेंशियल्स पे आते हैं, आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के डेट्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस से जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या है। कंपनी के ऊपर लगभग 1,163 करोड़ का डेट है, ठीक है, जो कि पिछले साल 1,537 करोड़ के मुकाबले लगभग 350-400 करोड़ डिक्रीज हुआ है। और अगर पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो जहाँ 2014 में 2,300 करोड़ का डेट था वो अब लगभग आधा रह चुका है, 1,163 करोड़ का डेट है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कंपनी अपने डेट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर रही है और लगातार पिछले 5 सालों में देखेंगे आप तो 14 में 2,300 करोड़, फिर 1,900 करोड़, फिर 1,818 करोड़, फिर 1,537 करोड़, यानी कि 1,537 करोड़, एंड देन फाइनली 2018 में 1,163 करोड़। एंड आई होप कि अब जब FY19 के नंबर्स आएंगे वो, तो जो डेट होंगे कंपनी के वो ब्लू देन 1,000 करोड़ रह जाएंगे। वहीं अगर आप नेटवर्थ की बात करेंगे तो 2,520 करोड़ से बढ़ के नेटवर्थ पिछले 2014 से 2018 में लगभग 4,241 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। सो ओवरऑल नेटवर्थ डबल हो गई है, डेट्स रिड्यूस हो गए, आते रह गए, एंड दिस इंडिकेट्स द ट्रू ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ओके। तो यहाँ पर आप कंपनी की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का है, कैश एंड बैंक बैलेंस 65 करोड़ के आसपास है जो कि रिड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, जो कि 109 करोड़ थे लास्ट ईयर। इसके अलावा प्रोविजंस 43 करोड़ के आसपास हैं, बुक वैल्यू काउंटर की 70.62 जो कि पिछले, अगर हम 5 सालों की बात करते 2014 से, तो 2014 में जरूर जो बुक वैल्यू थी वो 98 रुपीज़ की थी, बट उसके बाद से ये सेकंड हाईएस्ट बुक वैल्यू है 2018 के अंदर। ईयरली नंबर्स जो कि रहे हैं मार्च 18 में, उनमें अगर हम टॉप लाइन की बात करेंगे तो टॉप लाइन में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट रही है, 7,850 करोड़ के आसपास आ गई है। एंड जो प्रॉफिट्स रहे, नेट प्रॉफिट्स, उनमें जरूर इजाफा रहा है, 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 225 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो कि बढ़कर 286 करोड़ का हो गया है। ओवरऑल अगर हम एक्सेप्शनल आइटम को निकाल देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बेहतर प्रॉफिट रहा है पिछले बार के मुकाबले, जो कि 317 करोड़ था, इस बार 2018 में 474 करोड़ कंपनी का टोटल प्रॉफिट रहा। इसके अलावा अब हाफ ईयरली नंबर्स भी आ चुके हैं, 2 क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं सितंबर छमाही तक। सो पिछले सितंबर छमाही में जो कि 3,300 करोड़ का टोटल टॉप लाइन था, सेल्स था, वो बढ़ गए 5,464 करोड़, यानी कि शानदार लगभग आप देख सकते हैं कि 2,000 करोड़ के आसपास की तेजी मार्केट में आ चुकी है, सेल्स में इजाफा हुआ है कंपनी की, और ये एक बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम एंड टैक्सेस देखेंगे तो जहाँ 126 करोड़ का ही टोटल जो प्रॉफिट था बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्सेस लास्ट ईयर सितंबर में, वो बढ़कर अब 415 करोड़, यानी कि लगभग 3 टाइम्स हो चुका है। साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 83 करोड़ से बढ़ के नेट प्रॉफिट 230 करोड़ के आसपास आ चुका है 2018 की छमाही में। सो FY19 में काफ़ी बेहतर नंबर्स आने वाले हैं, आई होप कि फैंटेस्टिक नंबर पोस्ट करेगी कंपनी और उसके बाद एक फैंटेस्टिक मूव भी हमें इस काउंटर के अंदर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। सो इस काउंटर के बारे में टेक्निकली भी हम लोग बात कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट।
सो अभी ये फंडामेंटल की बात हो गई, आप अगर इसके वेबसाइट पे जाते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आपको पता चल जाता है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं इनके। बिल्डिंग एंड हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बेहतर प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स एंड द मेडिकल कॉलेजेस फॉर द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एट द गुलबर्ग एंड द मंडी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि पटना में तैयार हो रहा है एम्स, उस पर वो प्रोजेक्ट इनका की प्रोजेक्ट है। वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एट द पावापुरी, तो ये इनके की प्रोजेक्ट्स है। प्लानिंग डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड द अपार्टमेंट्स फॉर द लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एंड द हॉस्टल्स, अदर एंसिलरी वर्क्स एट द वेरियस प्लेसेज एंड फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज NIT, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस फॉर द सिम्बायोसिस पुणे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एकेडमिक कम लाइब्रेरी बिल्डिंग फॉर द NITIE पवाई मुंबई, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स एट द 6 लोकेशंस फॉर डिफेंस डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलिवेटेड स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 3.6 किलोमीटर फॉर द बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बैंगलोर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टी स्टोरीड कमर्शियल स्पेस एट GPRA कॉलोनी एट द नरोजी नगर न्यू दिल्ली। तो ये इनके बेसिकली बिल्डिंग एंड हाउसिंग के की प्रोजेक्ट्स हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी आप देख सकते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के, IT पार्क, शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिविजन्स में रोड डिवीज़न है, इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में कंपनी काम करती है, वाटर एंड एनवायरमेंट डिवीज़न में कंपनी काम करती है, इरीगेशन, रेलवेज, इंटरनेशनल पावर, मेटल्स, माइनिंग्स। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड डिवीजन्स हैं और सभी डिवीजन्स आने वाला जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो ग्रो करेगा, मेटल सेक्टर ग्रो करेगा, पावर सेक्टर ग्रो करेगा, माइनिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा संभावना है आने वाले समय में, रेलवेज़ में एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स में एडवांसमेंट हो। सो ओवरऑल इनके जितनी भी डिवीजन्स हैं सब काफ़ी बेहतर हैं और आने वाला फ्यूचर इस काउंटर के लिए बहुत शानदार रह सकता है। इसकी बाकी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाइए, डिटेल में पढ़िए स्टडी। कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन्स हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लैरिफाई करने की। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्निकल्स पे आते हैं तो आप देखेंगे डेली चार्ट्स, अगर मैं बात करता हूँ सो डेली चार्ट में काउंटर का जो चलने का मूवमेंट रहेगा उसका एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि रेजिस्टेंस जोन तकरीबन 91-92 रुपीज़ का, यानी कि काउंटर में फिलहाल 92 रुपीज़ के आसपास का रेजिस्टेंस है। एक बार 92 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी देन आपको 100-110 रुपीज़ तक के लेवल NCC के अंदर देखने को मिलेंगे। बट वहीं पर साथ में ही मैं आपको सपोर्ट जोन भी बताऊंगा, जिसके नीचे अगर गया तो काउंटर में एक गिरावट भी देखने 83 रुपीज़ को आप एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर सकते हैं। अगर 83 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग जाती है सो फिर आपको उसके बाद काउंटर में लगभग 70-75 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं NCC के अंदर। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हैं लगभग साल, डेढ़ साल, दो साल के लिए, जो कि मीडियम टर्म कहलाता है, और लॉन्ग टर्म अगर आप 3-5 साल के लिए रख सकते हैं तो आपको जो बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा डीप रहेगा। यहाँ पर 60 रुपीज़ एक अच्छा बड़ा सपोर्ट रहेगा और आपने देखा भी होगा पीछे काउंटर ने 60 रुपीज़ का लेवल टच भी किया था, मार्च में टच किया, उसके बाद जब एक अच्छी गिरावट आई अक्टूबर मंथ में तब भी लगभग 63 रुपीज़ के आसपास तक बॉटम फॉर्मेशन किया इस काउंटर ने एंड वहाँ से एक रिवर्सल आया। तो 60 रुपीज़ इज़ द मेजर सपोर्ट लेवल, अगर 60 ब्रेक हुआ काउंटर में तो आपको फिर बहुत ज़्यादा नीचे की स्तर देखने को मिल सकते हैं, मे बी 35-40 तक के लेवल इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी तो मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, बट जब तक मार्केट में कुछ बड़े क्राइसिस या ग्लोबल लेवल पर बड़े क्राइसिस नहीं आते 60 रुपीज़ विल बी द मेजर सपोर्ट लेवल और एग्जिट स्टॉप लॉस। तो आप 60 रुपीज़ को स्टॉप लॉस बनाकर चलिएगा लॉन्ग टर्म के लिए फॉर द टारगेट ऑफ मिनिमम 140 रुपीज़ इन द नेक्स्ट वन ईयर, यानी कि 140 रुपये एक साल के अंदर टारगेट आएगा और 140 रुपये के ऊपर काउंटर पर क्लोथिंग आने के बाद आपको जो नेक्स्ट काउंटर का जो लेवल मिलेगा वो तकरीबन लॉन्ग टर्म में मिलेगा 198-200 रुपीज़ का। सो ये दो टारगेट्स हैं जो कि अगले 2 सालों के अंदर अचीव हो सकते हैं इस काउंटर में, और आपका पैसा यहाँ से 100-150% तक राइज कर सकता है अगले 2 सालों के अंदर, यानी कि टारगेट रहेगा 140 फर्स्ट एंड द 198 विल बी द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टारगेट फॉर द NCC विद द
मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्रूशल सपोर्ट लेवल एट द 60 रुपीज़। ब्लो 60 क्लोजिंग होने पर आप अपनी पोजीशन को कट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। सो ये हमने बात की एनसीसी के बारे में, एक माइंड ब्लोइंग मल्टीबैगर स्टॉक है जो कि केवल 87 रुपये के रेट पर आपको मिल रहा है। और अगर आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने की, तो आप लोग छोटी क्वांटिटी खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर थोड़ी बहुत डिप आती है और आपको 75, 76 या इवन 70 तक के लिए भी इस काउंटर में देखने को मिलते हैं, हालांकि 87 का रेट चल रहा है, मुझे लगता है कि 80 रुपीज़ से नीचे काउंटर नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको इन एनी केस अगर मार्केट में कुछ बड़े ड्रास्टिक फॉल्स आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है, इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, 10 दिसंबर तक क्लैरिफाई हो जाएगा, तो कहीं अगर रिवर्स इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते हैं तो जो रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, उसकी वजह से अगर गिरावट आती है काउंटर में, तो 75 और 80 के बीच का जो टारगेट लेवल रहेगा वो बेस्ट बाइंग प्राइस रहेगा इस काउंटर के लिए। और अगले 2 सालों में ये काउंटर आपको 150 से 200 की रेंज में दिखाई दे सकता है और आपका पैसा दोगुना कर सकता है। खैर, इस काउंटर के बारे में अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करने की। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और प्लानर से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए जैकपॉट ब्लू 100 रुपीज़ के काउंटर के साथ, जिससे कि आप लोग अपना निवेश को बड़ा कर सकें, SIP मेंटेन कर सकें, एक अच्छी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रख सकें अच्छे स्टॉक के साथ। इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग अगले वीडियो में कुछ और अच्छी पिक्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अभी विदा लेते हैं, आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।